खबर अलवर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू की गई है। पहले यह ओपीडी अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रोमा सेंटर में यह कैंसर ओपीडी खोली गई है। इस कैंसर केयर ओपीडी में डॉक्टर नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस कैंसर केयर ओपीडी का नोडल प्रभारी डॉक्टर बीएस खत्री को नियुक्त किया गया है। वहीं यहां पर कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राकेश गोचर अपनी सेवा देने में लगे हुए हैं और वह रोजाना यहां कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज करने में लगे हुए हैं। इस कैंसर केयर ओपीडी में रोजाना करीब 40 से अधिक मरीज आते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा ओपीडी में आने वाले मरीजों में मुंह और गले के कैंसर के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर महिलाओं में छाती और बच्चेदानी में कैंसर की ज्यादा शिकायत आ रही है। मुंह और गले में कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण गुटखा, पान, बीड़ी, तम्बाकू है। ऐसे में उनके मुंह और गले का कैंसर ज्यादा हो रहा है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी भी दी जा रही है। कैंसर रोग से संबंधित जितनी भी जांच है, वह सब अस्पताल में ही मरीजों की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर और बीड़ी सिगरेट से गले का कैंसर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बचाव के लिए लोगों को गुटखा छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर मरीज के मुंह और गले में कैंसर होता है तो उसका पता हाथों हाथ नहीं चलता। करीब 10 साल बाद कैंसर के रिजल्ट सामने आने लगते हैं। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पान छोड़ें, जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। हाँ, मैं डॉक्टर राकेश गोचर हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, राजीव गांधी जिला अस्पताल। अभी हमारा जो कैंसर जो क्लिनिक है ओपीडी ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ से जो 11 नंबर ओपीडी में था पहले, और जो पेशेंट्स है हमारे पास कैंसर के 40 से 50 के ओपीडी हमारी रहती हैं, और डेली 10 से 15 नए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो कैंसर पेशेंट होते हैं मुँह का कैंसर का पेशेंट होते हैं। दूसरे नंबर पर जो है लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर होता है, तो साथ में लंग कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर क्या है, गुटखा ज़्यादा खाते हैं और बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा कैंसर पेशेंट मुँह के कैंसर ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। लगभग कितनी ओपीडी रहती है? ओपीडी 40 से 50 के आसपास ओपीडी रहती है यहाँ पर। समय का है, समय क्या है सर ओपीडी का? ओपीडी का समय है सुबह 9 से 3 बजे तक का। अच्छा, और कीमोथेरेपी यहाँ हमारे पास लग रही है, हर प्रकार की कीमोथेरेपी है सारे पेशेंट्स को। और जो पेशेंट्स परेशान होते हैं जयपुर जाके, वही ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं, जिनका अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है एडमिट करके हम करते हैं। सर, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का कैंसर के मरीज ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कैंसर मुँह का कैंसर है, बहुत ज़्यादा मुँह का, गले का कैंसर। मुँह का कैंसर गुटखा खाने से होता है, गले का कैंसर बीड़ी सिगरेट पीने से होता है, और फिर दूसरे नंबर पर फेफड़े का कैंसर है, वो भी बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से होता है। तो किस तरह की सर रोकथाम जरूरी है? ज़्यादातर तो ये ध्यान रखना है अपन को कि जैसे जो गुटखा खाते हैं उनको समय पे बंद कर दें, क्योंकि जब भी कोई कैंसर बनता है तो उस कोई भी चीज़ को बनने में हाथों हाथों टाइम बनता नहीं है। कैंसर 10 साल लग जाते हैं कैंसर बनने में, तो 10 साल तक हमने जो काम किए हैं जैसे बीड़ी सिगरेट पिए, गुटखा खाया है, तो उससे आगे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को बंद कर दो और थोड़ी लाइफ स्टाइल अच्छी रखो, एक्टिविटी अच्छी रखो, खान पीन अच्छा रखो।